लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, मैच नंबर 57 जो कि हैदराबाद में खेला जाना है, इसकी डिटेल प्रेडिक्शंस आप साथ शेयर करेंगे। साथ साथ पॉइंट्स टेबल आप देख रहे हैं जहाँ पे केकेआर टॉप ऑफ द टेबल जा रही है, नंबर 2 पे राजस्थान रॉयल्स, 3 पे चेन्नई, 4 पे हैदराबाद, 5th पे दिल्ली। ऑलमोस्ट दिल्ली फाइनल 4 में जगह बनाने में मुश्किल मुश्किलात का सामना उसको है, वो बहुत मुश्किल है। लखनऊ सुपर जायंट्स चांस पे है, ठीक है। तो पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो अभी तक के आईपीएल के मैचेस या वेन्यू के हिसाब से जो आप देखते हैं तो काफ़ी सारे मैचेस जैकपॉट में गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल फेस है अभी बिल्कुल फाइनल फेस में आ गया। अब आप देखें कल भी जब दिल्ली कैपिटल्स लो पॉइंट से राजस्थान रॉयल्स ऑन बोर्ड ऑन पेपर आपको फेवरेट दिखी, लेकिन वो एक इतनी ज़्यादा एवरेज या इतनी देर के लिए नहीं होती कि वहाँ पे आप मैच को एंटरटेन कर सकें। जो लीगल पॉइंट है, लीगल बात है, वो करनी चाहिए। हार जीत एक टीम ने हारना है, एक ने जीतना है, लेकिन आपने मैच को एंटरटेन करना है तभी आप एंटरटेन कर पाएंगे। मेरी टीम के जीत हार से आपको तो ट्रॉफी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मेंशन करनी थी क्योंकि ये काम होता है थोड़ा जल्दबाजी का। हर बंदा उस टाइम ना कोई टीवी देख रहा होता है, ना हर बंदा अपने मोबाइल पे, काफ़ी सारे लोग एक्टिव होते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं भी एक्टिव होते, ठीक है। तो वो उन पॉइंट्स का इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं ऑलमोस्ट अंडर 40 के, अंडर 30 के पॉइंट्स जो होते हैं उस पर कुछ लोग देखते हैं कि मैच को एंटरटेन कर लें। तो ये चीज़ें जब रनिंग मैच में मैच चल रहा होता है तो ये चीज़ें तभी इंक्लूड होके सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, वैसे अदरवाइज नहीं होती। मैच अभी जो रह गए टोटल फाइनल तक, प्ले ऑफ को मिला के फाइनल तक 18 मैचेस हैं आज के मैच को मिला के, तो इनमें हमारी 110% होगी कोशिश कि आपको सारे मैच ही पास मिले, लेकिन यहाँ पे हमने जैकपॉट, अगर आप बैक टू बैक 2-3 जैकपॉट मैचेस इंटरटेन करते हैं तभी आप मैच ज़्यादा से ज़्यादा आगे वर्ल्ड कप के लिए या आपका जो बैकअप है, जो भी सिलसिला है उसमें आप अपने आप को सिस्टम में रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई इसके बाद बहुत सारे मैचेस, आईपीएल के बाद बहुत सारे लीग बैक टू बैक स्टार्ट हो रहे हैं मैचेस, और उसमें एक दिन भी रेस्ट नहीं है। लेकिन उसके लिए आपका अगर बजट होगा, बैकअप होगा, लिमिट्स होंगी तभी आप मैचेस को एंटरटेन कर सकेंगे, वैसे तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पूरी ट्राई करेगी इस मैच को विन करने के लिए, ठीक है। मैच नंबर 57 अच्छा मैच होगा, हैदराबाद के ग्राउंड में ये मैच खेला जाना है। ड्रीम इलेवन के की प्लेयर्स अभिषेक शर्मा नंबर 1 पे, हेनरिक क्लासन नंबर 2 पे, पैट कमिंस नंबर 3 पे, ये सनराइज हैदराबाद की तरफ से, के आर राहुल नंबर 1 पे, निकलस पूरन नंबर 2 पे, नवीन उलक नंबर 3 पे रह सकते हैं। यहाँ पे दोनों टीम्स अभी आप देखें मैचेस का जो फाइनल फेस चल रहा है, लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो दोनों ही टीम्स इक्वल परफॉर्मेंस पे हैं। सिर्फ ऑन बोर्ड ऑन पेपर हैदराबाद को इस मैच के लिए विन प्रेडिक्शंस में फेवरेट करार दिया जा रहा है, एक तो होम ग्राउंड का एडवांटेज है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल पे जितने भी लोग आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हर आने वाले मैच का आपको अपडेट्स मिलती रहें, और यहाँ पे मेरे भाई जेन्युइन कंटेंट के साथ आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर की जाती है, ना कि ऑलमोस्ट 3-3 साल या 1-1 साल के जो स्टैट्स हैं उनको लेके नहीं, ठीक है। आपको ये चीज़ तब समझ आएगी आप प्रेडिक्शंस का पैटर्न, रूल नंबर 1 सबर, रूल नंबर 2 लिमिट्स, रूल नंबर 3 जो टीम शेयर करें या विन करें या फिर जैकपॉट स्टाइल में हारे। अब यहाँ पे अब आपको कल के मैच की अगर वीडियो की बात करते हैं तो आपको मैंने जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग के साथ ही जाने का बोला, फर्स्ट बैटिंग बांग्लादेश की ही आई है, लेकिन मसला ये है कि अब उन पॉइंट्स में कौन इंटरटेन कर सकता है उस मैच को, फिर साथ ये चीज़ें भी मेंशन करनी पड़ती हैं। अगर आप लोग ये चीज़ें मेंशन करके आगे बढ़ेंगे तभी आप भी मैचेस को एंटरटेन कर सकेंगे, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जितनी प्रेडिक्शन या एनालिसिस हैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, ना कि किसी लीगल एक्टिविटीज़ के लिए। तो आप लोग काइंडली कम्युनिटी गाइडलाइंस जो कि जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस का ख्याल किया करें।
जितने की प्लेयर्स बताए ये आज के दिन प्रॉपर परफॉर्म करेंगे, चाहे आप ड्रीम इलेवन की टीम बनाते हैं या नहीं बनाते, ठीक है। नवीन उल हक 2+ विकेट्स ले सकते हैं, पैट कमिंस 2+ विकेट्स ले सकते हैं, ठीक है। दोनों बॉलर्स आज के दिन बेस्ट से बेस्ट करके दिखाएंगे आपको, और जो बैटिंग ऑप्शन में के आर राहुल 20+ स्कोर कर सकते हैं, निकलस पूरन, और आप अगर एक एंड में और प्लेयर ऐड करते हैं तो नितेश कुमार ऐड कर लें आप सनराइज हैदराबाद की तरफ से, और मार्कस टोनस आप ऐड कर लें लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। स्कोर्स की प्रेडिक्शंस करेंगे, 10-15 ओवर की गेम लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ही रहेगी, चाहे फर्स्ट बैटिंग पे आए या सेकंड बैटिंग पे आए। सेकंड इनिंग 6 ओवर बड़ी प्रेडिक्शन इस मैच की, ये भी लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ही रहेगी, चाहे फर्स्ट बैटिंग पे आए या सेकंड बैटिंग पे आए। मैचेस की अगर आप बात करते हैं तो दोनों टीम्स यहाँ पे इक्वल परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ेंगी। तो फर्स्ट 6 ओवर अगर आप जो प्रेडिक्शंस का पैटर्न है रूल नंबर 1 सबर, उसका वेट करके आप मैच को इंटरटेन करने की कोशिश करेंगे तो आप, ये लो इन्वेस्टमेंट का मैच है, लो पॉइंट्स का मैच है, आप इस मैच को बआसानी इंटरटेन कर लेंगे। अच्छा मैच होगा, दोनों टीम्स आपको ऑन बोर्ड ऑन पेपर 1-2 बार दोस्त लाजमी फेवरेट होती हुई दिखेंगी, ठीक है। एक पॉइंट आप ये नोट कर लें, ठीक है। नंबर 2 पे अपनी टीम इस मैच की, मैच विनिंग टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम रहने वाली है, अगर हारी तो करीब से जाके जैकपॉट स्टाइल में हारेगी, अदरवाइज विन कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने मैच को इंटरटेन कैसे करना है, जितनी यूट्यूब की ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है उसको बआसानी, अगर इस कंटेंट को आपने फॉलो किया बआसानी आप मैच को इंटरटेन कर लेंगे। अगर आ जाती है हैदराबाद बैटिंग पे तो 3-4 ओवर आप उसे मज़ीद देखें, अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर बाउंड्रीज आती हैं तो आपको मैच थोड़ा लो पॉइंट्स में दिखेगा, वहाँ पे आप इस मैच को इंटरटेन करने की कोशिश करें, लखनऊ सुपर जायंट्स आपको अच्छा मैच को इंटरटेन करवा के जाएगी। अगर हारी तब से तब भी आपको एक जैकपॉट मैच दे के जाएगी, अदरवाइज विन कर सकती है, ठीक है। और पॉसिबल चांस है कि मैच जैकपॉट बने, नहीं भी बनता तो आपको बता दिए एक अच्छा मैच होगा, फाइटिंग मैच होगा दोनों टीम। अब यहाँ पे जितनी भी टीम्स रह गई हैं ना, ये बात आप याद रखिएगा, 18 मैचेस हैं टोटल, उसमें तो से तो कई टीम फारग हो गई। ये जो आपको मैंने पॉइंट्स टेबल आज के दिन दिखाया, इसके दिखाने का मतलब ये है कि ये जो 5 टीमें इन हैं, जिसमें है लखनऊ सुपर जायंट्स भी इन है, अभी गेम में तो इन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टीमें सारी ऊपर वाली टीमें रिलैक्स मूड में रहने वाली हैं, वो आपको उनके मैचेस जब आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। जो निचली टीम्स हैं, CSK होगी, SRH होगी, लखनऊ सुपर जायंट्स होगी, ये टीमें आपको बहुत ज़्यादा प्ले ऑफ के लिए खेलती हुई नज़र आएंगी, सही लड़ाई वाले मैचेस होंगे, समझ आ गई आपको मेरी बात, अच्छे मैचेस होंगे। वन साइड मैच इधर कोई भी टीम जाने नहीं देगी। अब आपके सामने जो लास्ट मैच हुआ है, ठीक है, कल के दिन, तो वहाँ पे भी आप देख लें, दिल्ली कैपिटल्स हार्ड फेवरेट सीट से राजस्थान रॉयल्स फेवरेट सीट संभालती हुई आपको नज़र आई, तो ये मैच होगा। लेकिन यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स के जीतने के चांसेस इसलिए भी बहुत ज़्यादा हैं कि जो उनकी हालिया परफॉर्मेंस है, करंट परफॉर्मेंस, उसमें जो उनका बैटिंग लाइनअप है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगा अगेंस्ट सनराइज हैदराबाद, क्योंकि सनराइज हैदराबाद यहाँ पे आके टेम्पो लूज कर चुकी है, और उसके लिए ये दोबारा वो वाला टेम्पो लाने के लिए जो उसको भी थोड़ा स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज का मैच अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जाते हैं तो आप बआसानी इस मैच को एंटरटेन कर लेंगे। ऑन बोर्ड ऑन पेपर सनराइज हैदराबाद की टीम आपको फेवरेट दिख रही है, वो इसलिए भी दिख रही है कि हैदराबाद का होम ग्राउंड है, ठीक है। नंबर 2 पे जो उनका बॉलिंग ऑप्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। तो बॉलिंग के हिसाब से अभी कुछ जो टीमें हैं ना उनको सपोर्ट मिलेगी, जो लेफ्ट मैचेस हैं 18 मैच। बाकी मेरे भाई, अगर किसी भाई को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं, कमेंट में, पहले कमेंट में भी मौजूद हैं, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएँ, मैच की प्रॉपर अपडेट वहाँ पे चलेगी, और 110% नहीं 200% पे ये मैच आपका इंटरटेन करवाएंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएं। और बाकी जो वीडियो देखते हैं आप लोग, प्रॉपर वीडियो को देख के अगर प्रेडिक्शंस के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो स्कोर्स की प्रेडिक्शन 80% पास होने के चांसेस, 20% आपने याद रखना कि सिर्फ रॉन्ग जा सकती हैं, अदरवाइज स्कोर्स की प्रेडिक्शन भी आज के दिन, और जो मैंने आपको ड्रीम इलेवन के की प्लेयर्स बताए हैं मेरे भाई,
ड्रीम इलेवन की टीम नहीं भी बनाते तब भी कहीं ना कहीं जब विकेट पे ये प्लेयर परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करके जाएंगे। ये आपको मैंने बता दिया 20 प्लस स्कोर और 2-2 प्लस विकेट्स कौन कौन से प्लेयर ले रहे हैं, तो ये चीज़ें सारी मेंशन करके आप इस मैच को इंटरटेन करें और थोड़ा सा वेट करके इंटरटेन करने की कोशिश कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।